हाय गाइस, आपका कुछ दिनों में आरआरबी पीओ का एग्जाम है और ये एक शॉर्ट सी वीडियो है कि एंड डेज में आपको क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऑल्सो एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है। तो वो सारी चीज़ें आप तैयार कर लो, मतलब फोटो वगैरह का जो भी है मैं बता देती हूँ क्या क्या लगेगा आपको एग्जाम के दिन। न्यू एस्पिरेंट्स को डाउट आ रहा होगा, तो देखो एंड के डेज में आप जितना अच्छे से पढ़ पाओ, जितनी प्रोडक्टिविटी से पढ़ पाओ, उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाता है। इस साल मैंने आरआरबी पीओ का फॉर्म नहीं डाला है क्योंकि स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और मेरे लिए जाना आना इतना दूर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन लास्ट ईयर मैंने आरआरबी पीओ का डाला था छत्तीसगढ़ से ही, और लास्ट ईयर भी बैंक के कारण मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो एंड के डेज में मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाकर ही प्रैक्टिस की थी, जितने मॉक्स हो सके उतने मॉक्स लगा के प्रैक्टिस की थी, और एंड के डेज में ही मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि मेरे एग्जाम में डिसेंट मार्क्स आ गए थे। मेरे रीजनिंग में 35 अराउंड मार्क्स थे और क्वांट में 21 समथिंग थे। टोटल मेरे 56 मार्क्स थे आउट ऑफ 80, एंड छत्तीसगढ़ से जनरल की कट ऑफ 49 अराउंड गई थी। देखो आपको प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है, आपके कट ऑफ जितने मार्क्स आ रहे हैं देन यू आर गुड टू गो, आप मेंस से कराओगे। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो जिनको सबसे ज्यादा फोकस का इशू आ रहा है कि आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, मतलब मॉक लगाने बैठ रहे हो और आपका रिटेंशन नहीं बैठ रहा है, या मतलब आपका दिमाग भटक जा रहा है, क्योंकि देखो क्वांट और रीजनिंग आता है इसमें और इस बार सेक्शनल टाइमिंग भी है, आपको उस टाइम के अंदर क्वांट और रीजनिंग बनाना है। और अगर इसमें जनरली ऐसा होता है जो हमारे बैंक एग्जाम्स है, अगर आप का एक पजल बना रहे हो, जब तक आप फोकस माइंड से बना रहे हो तब वो वन गो में बन जाएगा, और जहां आप अटके, आपने एक कंडीशन गलती से मिस कर दी, एक कंडीशन गलत लिख ली, तो वही आपका वो चीज बिगड़ जाएगी, आपका 2, 4, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यस, ये सारी चीजें होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपका फोकस बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका जो एडमिट कार्ड में जिस टाइम पे आपका एग्जाम है उस टाइम पे बैठ के मॉक लगाओ, ताकि आपके दिमाग को अभी कुछ दिनों के लिए हैबिट हो जाए और वो उस टाइम पे अच्छा फुल प्रोडक्टिविटी के साथ परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको जो एडमिट कार्ड में आपका लिखा है, जो टाइम पे आपका एग्जाम है, वो ही टाइम पे बैठ के मॉक लगाओ, क्योंकि जनरली दोपहर को या सुबह के टाइम हमारा माइंड उतना प्रोडक्टिव नहीं होता, मतलब उतना एक्टिव नहीं होता, तो प्रोडक्टिविटी नहीं आती और पेपर आप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हो। तो आई वॉन्ट कि आप उस टाइम पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में जाके आपका दिमाग उस टाइम फ्रेम में एक्टिव रहे, एंड ये वर्क करता है, ये बहुतों के साथ वर्क किया है, आपके साथ भी करेगा, इसे ट्राई जरूर करना। इसके अलावा ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आपको अभी लास्ट के कुछ दिनों में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन को टाइम देना है जितना ज्यादा हो सके, बिकॉज क्वांट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, क्वांट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड इवन रीजनिंग ऑल्सो, और क्वांट में यहाँ पे आपको कम टाइम मिल रहा है, 20 मिनट मिल रहा है, तो आपकी कैलकुलेशन आप जितनी अच्छी करोगे उतना दूसरों से एज ले पाओगे। डेली आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ओके स्क्वायर्स क्यूब्स टेबल्स सारी चीजें अप टू लाइक 20-30 बेयर मिनिमम में चीजें पढ़ के चलो प्लीज, अभी भी टाइम है अच्छे से। अगर इसको आप डेली एक एक घंटा दे के पढ़ोगे, एग्जाम में जाके चीजें बूस्ट हो जाएंगी। अभी आपको डेली सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग के पजल्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, जहां अटक रहे हो वो मतलब जो टॉपिक्स में अटक रहे हो उस टॉपिक की ज्यादा प्रैक्टिस करो, और मॉक्स लगाना है जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा एज इन एक दिन में 3 मॉक या मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जब आप 3 मॉक लगाओगे 3 घंटे लगभग 45 मिनट का एक मॉक होता है, लगभग 3 घंटे मान लेते हैं कि 3 घंटे आपके वहां जाएंगे, बिकॉज आप मॉक्स को एनालाइज भी करोगे, ओके कम से कम हाफ आवर आपको एनालिसिस में लगेगा, अगर आपका मॉक अच्छा गया है तो आपको एनालिसिस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप फट से देख लोगे जो जो छूटे हैं उन्हें, लेकिन अगर आपका मॉक एवरेज जा रहा है तो आपको एनालिसिस प्रॉपरली बैठ के करना है, क्योंकि यू नेवर नो उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी आ जाए, ठीक है, और आपके शिफ्ट में वही चीज आ जाए और आप उसमें से मार्क्स निकाल दो। तो मॉक्स इसीलिए आपकी हेल्प करते हैं आपका मार्क्स बूस्ट करने में एग्जाम, रियल एग्जाम में, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आप ही आपको एंड के डेज में मॉक्स गाना है जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, दिन के 3 या 4 मॉक्स गाओ। और लास्ट ईयर मैं भी यही की थी एग्जाम के, मतलब मैं इवन अगस्त में, मेरा 5 अगस्त को था प्रीलिम्स, और मैं पूरा जुलाई भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, जुलाई एंड से मैं पढ़ी थी, और अगस्त के स्टार्टिंग के 3-4 दिन मैं डेली कोशिश करती थी कि मॉक लगाऊं, और गाइडली में भी लाइव मॉक्स कंडक्ट होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है, ट्रस्ट मी मैं जब ये बोल रही हूँ। अब तो मैं गाइडली से कोलैब कर लिया, लेकिन पहले जब मैं कोलैब नहीं की थी, मैं खुद एस्पिरेंट थी, मैं खुद का प्रोडक्ट इतना फॉलो करती थी, मतलब उनके फ्री वाले मॉक्स में लगाती थी, जो चीज फ्री में मिल रही है और ऑल इंडिया उसको दे रहा है तो मतलब मैं उसको छोड़ती नहीं थी, तो मैं डेफिनेटली वो लगाती थी, बाद में अपना परफॉर्मेंस चेक करती थी, बाकी से कंपेयर करती थी कि कितने ज्यादा मतलब मैं कितना कहां लाई कर रही हूं, मुझे कितना इंप्रूव करने की नीड है। और अभी गाइडली का लाइव मॉक चल रहा है, जैसा आपका आरआरबी पीओ का होगा एग्जाम वैसा ही आपका सेक्शनल टाइमिंग के साथ,
वो एग्जाम मतलब वो लोग मॉक्स कंडक्ट करा रहे हैं, ये लाइव मॉक्स, और इसका स्केड्यूल मैं स्क्रीन में लगा दूंगी, अभी आप देख लेना कब आपका है, जाके इनरोल कर लो और आप ये मॉक जरूर देना और अपने आप को जज करना कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, कितना परसेंटाइल, कितनी रैंक, क्या एक्यूरेसी बैठ रही है, राइट। एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एक पॉइंट है कि आपको एक्यूरेसी में फोकस करना है मोर देन अटेम्प्ट्स, क्योंकि एक्यूरेसी सही क्वेश्चन कब बनाओ, सही बनाओ, जो टाइम दे रहे हो ना वो टाइम में अगर आप जो क्वेश्चन बना रहे हो तो उसका मतलब जो आउटकम है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा नहीं वो क्वेश्चन को गलत कर दिया और नेगेटिव मार्क्स लेके बैठ गए हो, तो आपको पॉजिटिव उसका आउटकम पॉजिटिव रखना है, और इसलिए आपको क्वेश्चन कम बनाओ लेकिन सही बनाओ, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ये चीज मैटर करती है, तो इस चीज पे ध्यान रखना। और अगर आप आगे के बैंक एग्जाम्स के लिए गाइडली का पीडीएफ बंडल लेना चाहो, सेव ये मेरा कोड है, प्लीज लगा लेना, क्योंकि वो वर्थ इट है लेना, आपको डेली प्रैक्टिस के लिए एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में बहुत हेल्प करेगा, मेंस लेवल कंटेंट उनका काफी सही है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूं। तो आपको लास्ट के दिनों में अभी इतना ही करना है, कैलकुलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस 1 से 2 घंटा, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना है और मॉक्स लगाना है, मॉक्स को एनालाइज करना है, कीप इट सिंपल, जितनी सिंपल चीजें करोगे उतना ज्यादा अच्छे से चीजें रिटेन रहेंगी आपको। एक लास्ट पॉइंट के एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है वो आपको बता देती हूँ, देखो एडमिट कार्ड का आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, 2 कॉपी निकाल लेना, क्योंकि कभी कभी एक में अगर कुछ इशू आ जाए तो दूसरा आपके पास है हैंडी, वहां पे नहीं तो भागना पड़ेगा, वहां जाओगे प्रिंट निकलवाओगे ये सब करोगे, तो बेटर है कि 2 प्रिंट आउट निकाल लेना। फोटो आपकी लगेंगी 2, तो कम से कम 4 या 5 फोटो तो रख लेना, और फोटो वो ही रखना जो आपने फॉर्म में अपलोड की है, ट्राई की वही फोटोज हो जो आपने फॉर्म में डाला है, राइट, वो उनके लिए भी कन्वीनियंट है, आपके लिए भी कन्वीनियंट है, आपका अपीयरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा फोटो में दिख रहे हो ट्राई की वैसा ही दिखो, मतलब एकदम ज्यादा अपना लुक चेंज करके सेंटर पे मत चले जाना। ऑल्सो आपको क्या लगेगा, आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, चाहे आधार हो पैन हो जो भी आपने डाला हो फॉर्म भरते टाइम, तो वो आपको लगेगा, मैं आधार डालती थी तो मैं आधार कार्ड लेकर जाती थी, और उसका भी आपको एक फोटोकॉपी निकालना है, तो आपका जो आईडी प्रूफ है वो लेकर जाना ओरिजिनल में, ओरिजिनल याद से रख लेना, लोग भूल जाते हैं, प्रिंट आउट वाला बस निकाल ले जाते हैं फोटोकॉपी वाला, तो आपको ओरिजिनल रखना है और ओरिजिनल की फोटोकॉपी भी करा के लेके जानी है, कम से कम 2 कॉपी लेकर जाना। हाँ, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका फॉर्म है जो एडमिट कार्ड होगा उसमें वेरीफाइड वाला सील जरूर लगवाना, वहां पे जो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर का कॉलम होगा वो साइन होना चाहिए, लोगों का छूट जाता है कभी कभी, ये लापरवाही हो जाती है कि लोग उसमें सील नहीं लगा या उसमें इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, और जब आप मेन देने जाओगे तब वो दिक्कत करेगा, तब वो लोग बोलेंगे कि ये तो वेरीफाइड ही नहीं है आपका एडमिट कार्ड, कहाँ हुआ था एग्जाम, बहुत वो लोग करते हैं थोड़ा सा, तो बेटर है कि सारी चीजें सही से करवा लेना, ये मैं न्यू एस्पिरेंट्स को बता रही हूँ। और आपको लगेगा पेन पेंसिल व्हाट एवर यू वांट टू कैरी और वाटर बॉटल, बॉटल आप लेकर जाना, बिकॉज हाइड्रेट रहना ड्यूरिंग एग्जाम जरूरी है, लोग पानी नहीं लेके जाते, आई डोंट नो व्हाई, लेकर जाओ, जहां पे माइंड पैनिक करने लगता है वहां पानी पी के अपने आप को शांत करना, और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाना। उसके अलावा फीमेल्स के लिए है कि ज्यादा कुछ भी आपको मतलब ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनना है, वो लोग निकलवा देते हैं, एसबीआई में तो निकलवाते हैं, आरआरबी का मुझे याद नहीं है, बट बेटर है आप ज्यादा से ज्यादा इयररिंग्स बस पहनकर जाओ, ज्यादा कुछ मत पहन के जाना, हेयर में भी ज्यादा क्लिप्स ये वो नहीं होने चाहिए, सिंपल एक रबर बैंड से फोनी करके जाइए। एंड इसके अलावा शूज ना पहन के सैंडल पहन लो तो बेटर है, कई कई सेंटर्स में वो लोग शूज ही उतरवाते थे, फिर आप खाली पैर चल के जाओगे, सो यस, आप चप्पल सैंडल ये सब पहन सकते हो। और एक चीज, प्री के बाद प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, उसके बाद अपने एडमिट कार्ड को आके आपको संभाल के रखना है, क्योंकि मेंस के टाइम पे वो एडमिट कार्ड आपको वापस लेके जाना है, लोग एग्जाम देकर आते हैं उनको लगता है एडमिट कार्ड का काम हो गया और वो उसे खो देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको एडमिट कार्ड को लेकर जाके वापस लाके सही से कॉपी में दबा के रख देना किसी, क्योंकि वो वेरीफाइड वाला उसमें सील होता है और वो ही चीज आपको मेंस में लेकर जानी होती है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई ट्राइड हेल्पिंग यू गाइज जितना मैं कर सकूं, इसके अलावा कोई डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट बिलो, एंड एक्टिव राइट नाउ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।